दोस्तों हम ये कहाँ पर आज जा रहे हैं, ये जगह चिड़ियाघर सारनाथ के चिड़ियाघर है। सारनाथ में के अंदर जो चिड़ियाघर है उसके अंदर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, और हम आपको अब आगे की ओर से दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए, जो आपको यहाँ जो चिड़ियाघर है छोटा सा, और उसमें हमने आपको सारा प्राइज वगैरह सारा चीज़ हमने आपको बता दिया है, और हम अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। मेरे पापा को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों अभी इसमें ये कौन कौन पक्षी मिलेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अब इसमें आपको नजर आ रहा होगा जो पक्षी है नीचे में, और वो देखिए कितना बड़ा है, वो देखिए तो आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए कितना बड़ा है, सारस है ना ये, ये बहुत बड़ा सारस है। अरे ये अपने गांव का बत्तख है, ये देखिए ये जो है शुतुरमुर्ग है, ये अभी बैठा हुआ है, और इधर पिजन है, और कृपया बाड़े को ना छुए, यानी इस रेलिंग को नहीं छूना है, इसका मतलब यही होता है। चील भी है ये नहीं, ये दो देखिए इधर है, गिद्ध वो ऊपर बैठे। अच्छा देखिए दोस्तों, गिद्ध हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोग भल्चर जिसको बोला जाता है अंग्रेजी में, वो शायद आप लोग को नजर आ रहा होगा, भल्चर जो गिद्ध है। दोस्तों ये देख लीजिए, ये कटीदार ये जानवर है, ओए वो सुन नहीं रहा है, वो देखिए उन लोग सोया हुआ भी है, ये देखो ये लड़का है, ओए क्या कर रहा है तू, अंदर गड्ढे में घुस जा रहा है ये, ये देख लो। दोस्तों अभी जो हमने आपको जानवर के दिखाया वो शाही था, जो ऊपरे कांटेदार टाइप का रहता है। देख लीजिए इसको बोलते हैं काकाटील है, काकाटील ये है, ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें है सेन पेरा कीट है, जो यहाँ पर है जो नजर नहीं आ रहा है, बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है, ये हमको लग रहा है ऊपर आके बैठा है जाली। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिरण का है, और वहाँ आपको छोटा छोटे बहुत सारे हिरण है वहाँ पर, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पर हमने आपको हिरण को भी दिखाया है, आगे देखते हैं कौन सा जानवर मिलता है। तो दोस्तों ये देख लीजिए कलरफुल मछली है, यानी ये आपको अंदर नजर आ रहा होगा, रेड रेड है जो आपको है इसमें, तो यहाँ पर जो सारनाथ मंदिर है उसी के ठीक पीछे ये आपको पार्क है, उसमें आपको हिरण और कुछ जो है पक्षी आपको नजर आएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग फैमिली लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज संडे भी है, आज वैलेंटाइन डे भी है, तो लोग यहाँ पर बहुत सारे जुड़े भी नजर आए हैं, और हाँ अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख लीजिए फैमिली के साथ यहाँ खेल रहे हैं, आप देख सकते हो। दोस्तों इसके अंदर इतने ही सारे जानवर आपको मिलेंगे।
और ये देख लीजिए शाम के करीब 5 बज गया है और फुले एंजॉय के साथ ये दूसरे पार्क है, मतलब उसी में है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। अब बहुत बड़ा पार्क है यार, अब समय हो चुका है और 5 बजे यहाँ पर जो भी हैं अधिकारी लोग उन लोग अब कह रहे हैं कि बाहर निकलो जितना जल्दी हो सके। वो अलग गुंबद। अच्छा वो अलग गुंबद, वो क्या है गुंबद, इसके बारे में बताइए। ये भी बौद्ध जी का ही वो है। अच्छा ये भी उसमें भी अपना वो करते थे, बैठ के अपना ध्यान मग्न उसमें होते थे। अच्छा इसमें होता था है ना। और ये देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है इस समय का, आप देख सकते हैं, वाव ये देख लीजिए। और वीडियो को जितना हो सके उतना दबा के शेयर और कमेंट जरूर करना।